नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दबंग सरकार फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दबंग सरकार ये एक एक्शन रोमांस ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 30 नवंबर 2018 को। फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आए थे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव, आकांक्षा अवस्थी, समर चतुर्वेदी, संजय पांडे जैसे दिग्गज कलाकार। फिल्म को डायरेक्ट किया था योगेश राज मिश्रा ने, जिनकी एज ए डायरेक्टर के रूप में भोजपुरी में ये पहली फिल्म थी। इसके अलावा इस फिल्म की जो हीरोइन थी आकांक्षा अवस्थी, उनकी भी ये पहली भोजपुरी फिल्म थी। इस फिल्म में दो गाने पर परफॉर्म किया था काजल राघवानी ने, और इस फिल्म में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव पर फिल्माया गया एक गाना पागल बने बे कारे पतर की। ये गाना काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इस फिल्म के एक्शन सीन काफी अच्छे रखे गए थे और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट भी बाकी भोजपुरी फिल्मों से काफी अलग था। बात करें फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो इस फिल्म का बजट 3 करोड़ 98 लाख रखा गया था, और ये फिल्म भोजपुरी की उस समय की एक बहुत ही हाई बजट की मूवी थी। और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ 98 लाख की कमाई की थी, और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों, आपने इस फिल्म को देखा है या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।